नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट, और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। प्रदेश कांग्रेस की आज वर्चुअल बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रभारी अजय माकन इस दौरान मौजूद रहे। वहीं पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा समेत मंत्री, निवर्तमान जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी भी इस बैठक के अंदर जुड़े। मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले और कहा कि महामारी में ये कांग्रेस के लिए परीक्षा का समय है। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोरोना से जूझ रहे लोगों की जितनी हो सके मदद करें। कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार की चिरंजीवी योजना के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, ताकि कोई भी इस योजना से वंचित ना रहे। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश के कोरोना हालातों की जानकारी दी। वहीं प्रदेश कांग्रेस की कोरोना सहायता कंट्रोल रूम में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई। निजी अस्पतालों में कोरोना इंजेक्शन की समस्या आ रही है, इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। पीसीसी मुख्यालय प्रभारी जो कि सचिव है ललित तूनवाल ने इंजेक्शन की समस्या रखी। इस पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बयान दिया और कहा कि जिला स्तर पर इसकी कमेटी बनाई हुई है। कमेटी में जिला कलेक्टर, सीएमएचओ समेत 3 सदस्यों की कमेटी है जो इस पर काम कर रही है। राजस्थान में कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और वीकेंड कर्फ्यू और अनुशासन पखवाड़ी के बावजूद कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार की सख्ती पर लोगों की लापरवाही ज्यादा भारी पड़ रही है और इसीलिए हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं। यही वजह कि सरकार पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर हर तरीके से ये समझने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया जाए, लोगों को जो समस्याएं आ रही है उनका निवारण किया जाए, और इसलिए प्रदेश कांग्रेस की आज वर्चुअल बैठक आयोजित की गई जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मौजूद थे, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन मौजूद रहे, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम मंत्री, निवर्तमान जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी भी बैठक के अंदर मौजूद है। मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ साफ कहा कि इस महामारी के दौर में कांग्रेस के लिए राजस्थान में परीक्षा का समय है। कांग्रेस पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, कोरोना से जूझ रहे लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी है, हर संभव मदद करनी है, ताकि आम जन के बीच में संदेश दिया जा सके कि इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सरकार आपके साथ खड़े हैं, आपकी मदद के लिए तत्पर तैयार है। इस दौरान चिरंजीवी योजना के बारे में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचे, इस योजना में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं और 1 मई से इसका फायदा उठाए। इसलिए जरूरी कि लोगों को जागरूक किया जाए, उनका पंजीयन कराया जाए, ताकि किसी को भी इलाज के लिए जेब से पैसा खर्च करने की जरूरत ना हो। आपको बता दें कि सरकार बाकायदा इस योजना के जरिए 5 लाख तक की हेल्थ कवर आपको दे रही है, और अगर आप चिरंजीवी योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो फिर ज्यादा से ज्यादा आप पंजीयन कराइए। कोई भी इस योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए, ये मुख्यमंत्री का उद्देश्य भी है, मंशा भी है और सपना भी। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश के कोरोना हालातों की जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस के कोरोना सहायता कंट्रोल रूम में जिस तरीके की समस्याएं आ रही है, लोग जिस तरीके की समस्याएं बता रहे हैं, उन पर भी एक एक करके चर्चा की गई, ताकि जमीन पर उन समस्याओं को खत्म किया जा सके। और अगर किसी के सामने एक समस्या आ रही है तो बाकियों के सामने उस तरीके की समस्या ना आए, इसकी कोशिश कांग्रेस इस वर्चुअल मीटिंग के जरिए करती हुई नजर आई। इसके अलावा एक शिकायत जो सबसे ज्यादा मिल रही थी, शिकायत दरअसल ये कि निजी अस्पताल जो कि कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल है, वहां इंजेक्शन की समस्या आ रही है। इस पर भी इस मीटिंग के जरिए विस्तृत चर्चा की गई, मुख्यमंत्री ने जानकारी जुटाई और जिन इंजेक्शन की कमी है उनकी आपूर्ति किस तरीके से की जाए, इस पर भी मंथन किया गया। पीसीसी मुख्यालय प्रभारी सचिव ललित तूनवाल ने इंजेक्शन की समस्या को उठाया और इस पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बयान दिया और कहा कि जिला स्तर पर इसकी कमेटी बनाई हुई है। कमेटी के अंदर बाकायदा जिला कलेक्टर है, सीएमएचओ है, 3 सदस्यों की कमेटी है जो इस पर काम कर रही है, ताकि किसी भी जिले के अंदर इस तरीके की समस्या न आए, इंजेक्शन से जुड़ी कोई समस्या न आए, और इस पर काम किया जा रहा है। वहीं कैबिनेट बैठक में 2 मंत्रियों के बीच तल्खी भी नजर आई। कोरोना के तहत चिकित्सा सुविधाओं को लेकर ये तल्खी नजर आई।
इस दौरान जूनियर मंत्री ने अलवर जिले की अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठाया। सीनियर मंत्री ने उन्हें अपने अंदाज में स्पष्टीकरण दे दिया। इस दौरान दोनों के बीच में हल्की फुल्की बहस भी नजर आई, लेकिन बाद में शीर्ष नेतृत्व को इसमें दखल देना पड़ा और इस सारे माहौल में एक सवाल जरूर उठता है, और सवाल ये कि आखिर क्या क्या करेंगे अकेले चिकित्सा मंत्री। इस काम में सभी मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को भी उन्हें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये आपदा सिर्फ चिकित्सा विभाग से जुड़ी नहीं, चिकित्सा मंत्री से जुड़ी भी नहीं, ये आपदा राजस्थान से जुड़ी है। और जब बात राजस्थान की आती है तो फिर इस आपदा से निपटने की जिम्मेदारी सरकार की आती है, यानी कि उस मंत्रिमंडल की आती है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जरिए राजस्थान को चलाते हैं, और उन सब के अंदर सामंजस्य बेहद जरूरी। लेकिन दो मंत्रियों के बीच की तल्खी प्रकरण यकीनन ये बताता है कि कुछ तो है। हालांकि हल्की फुल्की इस बहस के बाद शीर्ष नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद ये मामला शांत किया गया। एक सवाल जरूर है जो इसके बाद खड़ा हो रहा है, और वो सवाल ये है कि क्या क्या अकेले करेंगे चिकित्सा मंत्री। इस काम में सभी मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, अपना सहयोग करना चाहिए, ताकि इस विपदा की घड़ी में राजस्थान आगे बढ़े, कोरोना को मात दे सके। राजस्थान के अंदर कोरोना का कोहराम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और इन सब के बीच में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कहां पर है वैभव गालविया। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की जिम्मेदारी वैभव गालविया के पास है, लेकिन बड़े शहरों में इन अस्पतालों का हाल बेहाल नजर आता है। न इन पर किसी का कंट्रोल नजर आता है, न इन पर किसी के मॉनिटरिंग नजर आता है। डॉक्टर्स की लोकल पॉलिटिक्स भी इस काम को बिगाड़ रही है। ऐसे में गालविया को खुद फील्ड के अंदर उतरना चाहिए, जमीन पर उतरना चाहिए, अलग अलग संभागों का दौरा करना चाहिए, शहरों का दौरा करना चाहिए, और वहां अगर व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही है, बिगड़ रही है, तो उनको सुधारना चाहिए, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी हैं गालविया। और इसीलिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो कोरोना का कोहराम पूरे राजस्थान के अंदर दिखाई दे रहा है, उस दौरान वैभव गालविया जमीन पर दिखाई क्यों नहीं दे रहे, वो कहां पर है? जबकि मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की उनके कंधों पर जिम्मेदारी है, उनको उन कॉलेजों की जिम्मेदारी को संभालना है। बड़े बड़े शहरों के अंदर अस्पतालों के हाल बेहाल हैं, ना किसी तरीके का कंट्रोल है, ना मॉनिटरिंग दिखाई दे रही है। डॉक्टर्स की लोकल पॉलिटिक्स भी इस कोरोना प्रबंधन की व्यवस्था को बिगाड़ रही है। ऐसे में गालविया को खुद जमीन पर उतरना चाहिए, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी है वैभव गालविया। वहीं भारत में जिस तरीके से कोरोना अनकंट्रोल हो रहा है, उसके बाद कई दिग्गज चिंतित नजर आ रहे हैं। भारतीय मूल के सीईओ ने गहरी चिंता जाहिर की है। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में शामिल सीईओ ने अपना दुख भी जताया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने दुख व्यक्त किया और कहा कि अपनी तकनीक के जरिए ऑक्सीजन आपूर्ति में वो पूरी मदद करेंगे, जितना हो सकेंगे वो मदद करेंगे। मैं आभारी हूँ कि अमेरिकी सरकार मदद करने में जुटी है। वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी मदद का वादा किया। उन्होंने कहा कि गूगल ने 135 करोड़ रुपए का फंड देने का फैसला किया है, और भारत जिस तरीके से कोरोना की सेकेंड वेव को झेल रहा है, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। यूएई समर्थन दिखा चुका है। बाकायदा अमेरिका ने भी कहा कि वो इस विपदा की घड़ी में भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि जब अमेरिका के अंदर कोरोना अनकंट्रोल हुआ था, उस दौरान भारत ने एक महत्वपूर्ण दोस्त की जिम्मेदारी निभाई। अब अमेरिका भी भारत के साथ आकर खड़ा हो चुका है। इसके अलावा अलग अलग कंपनियों के जो दिग्गज हैं, वो भी अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं और अपनी तरीके से हर संभव मदद की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में दो नाम है, एक है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, जिन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अपनी तकनीक के जरिए ऑक्सीजन आपूर्ति में जितनी हो सके वो मदद वो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आभारी हूं कि अमेरिकी सरकार मदद करने में जुटी हुई। दूसरा नाम है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का। उन्होंने भी मदद का वादा किया, और उन्होंने कहा कि गूगल ने 135 करोड़ रुपए का फंड देने का फैसला किया है। और अब बात करते हैं उदयपुर जीवी साहब की। प्रमोटी साहब की पूरी सेवा रही उदयपुर और आसपास के जिलों में। रिटायरमेंट के करीब पहुंचे साहब को सरकार ने जयपुर में तबादला कर दिया, लेकिन साहब ने ज्वाइन करने में समय लगा दिया,
ऐसे में दो हफ्ते के भीतर ही अपना ट्रांसफर वापस उदयपुर करवा लिया। अब चर्चा हो रही है कि साहब तो हो गए हैं उदयपुर जी भी, जो उदयपुर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। और उसके पीछे की बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि एक लंबा वक्त उन्होंने उदयपुर में सेवा दी और इसलिए अब वो उदयपुर से बाहर नहीं जाना चाहते, क्योंकि रिटायरमेंट करीब है। ऐसे में वो सोच रहे हैं कि जितना वक्त बचा है वो उदयपुर में ही बिता लिया जाए। कमाल की बात यह कि सरकार ने बीते कुछ दिनों में जयपुर में उनका तबादला कर दिया, लेकिन साहब की पावर कहिए या फिर पकड़ कहिए, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और दो हफ्ते के भीतर ही अपना ट्रांसफर वापस उदयपुर करा दिया। अब इसके पीछे वजह क्या बताई गई ये आप सोचते रहे, लेकिन चर्चा हो रही है कि साहब उदयपुर जी भी हो चले हैं, जो उदयपुर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। वहीं इन दिनों एक साहब लगातार चर्चा में है, जयपुर से लेकर जोधपुर तक उनकी चर्चा हो रही है। बेहतर करने की कोशिश हर बार भारी पड़ रही है, लगातार सत्ता के करीब आने की कोशिश की, लेकिन समय ने हर बार उनको दूर कर दिया। अब सरकार ने ही उन्हें सामाजिक कार्यों में लगा दिया। अब ये साहब कौन है, ब्यूरोक्रेसी में इसकी चर्चा, लेकिन जयपुर से लेकर जोधपुर तक चर्चा इनकी खूब हो रही है। बेहतर करने की कोशिश करते हैं और हर बार इन्हीं पर भारी पड़ जाती है। ये लगातार सत्ता के करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय इनको हर बार सत्ता से दूर कर देता है। अब सरकार ने ही उन्हें सामाजिक कार्यों के अंदर लगा दिया। बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरीके से कोरोना अनकंट्रोल हो रहा है, आखिर कब काम आएगा एसएमएस अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर। राजधानी जयपुर में बेकाबू कोरोना की दर्दनाक तस्वीर सामने आ रही है। प्रदेश के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड आरयूएचएस अस्पताल समेत अधिकांश बड़े अस्पतालों में हाउसफुल जैसे हालात। दिन भर सैकड़ों की तादाद में मरीज ऑक्सीजन बेड के लिए भटकते हुए इधर से उधर आपको दिख जाएंगे, जबकि एसएमएस अस्पताल में अत्याधुनिक एडवांस आईसीयू चल रहा पूरी तरह से खाली। इसके अलावा अन्य आईसीयू में भी मरीजों की संख्या काफी कम है। हालांकि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने संकेत दिए हैं, एसएमएस अस्पताल को मरीजों के लिए उपयोग में लेने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही टीबी समेत अन्य अस्पतालों के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब मिलेंगे मरीजों को जरूरत के हिसाब से बेड, जबकि राजधानी जयपुर में कमी नहीं है। सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल हमारे पास है और कमाल की बात यह है कि उसमें कैपेसिटी भी काफी ज्यादा है। बात हम आरयूएचएस की करें, अन्य कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों की करें तो उनमें हाउसफुल जैसी स्थिति है, यानी कि सभी बेड वहां बुक हैं जिन पर मरीज हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन बेड के लिए मरीज इधर से उधर भटकते नजर आते हैं, जबकि एसएमएस अस्पताल में अत्याधुनिक एडवांस आईसीयू पूरी तरह से खाली चल रहा है। इसके अलावा अन्य आईसीयू में भी मरीजों की संख्या काफी कम है। अब सवाल यह है कि इनका इस्तेमाल कब होगा। सच यह भी है कि चिकित्सा मंत्री संकेत इसके दे चुके हैं, एसएमएस अस्पताल को मरीजों के लिए उपयोग में लेने के संकेत दिए गए हैं। इसके साथ ही टीबी समेत अन्य अस्पतालों के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन सवाल तो यही है कि जब राजस्थान में हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, बीते 24 घंटे में अब आंकड़े 16,000 को पार कर चुके हैं, राजस्थान के जयपुर में राजधानी में 3,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं, तो फिर इन व्यवस्थाओं को खोला क्यों नहीं जा रहा है, इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, आखिर कब मिलेंगे मरीजों को जरूरत के हिसाब से बेड, ये अपने आप में गंभीर सवाल। कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों पर होगी कार्रवाई, उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने जानकारी दी। शासन सचिव ने बताया कि उपभोक्ताओं की मदद के लिए राज्य स्तर पर हेल्पलाइन स्थापित की गई है, इस पर कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता एमआरपी से ज्यादा राशि वसूलने और कालाबाजारी संबंधी शिकायत हेल्पलाइन नंबर, ये हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं। ये नंबर है 1800 180 6030, यानी कि 1800 180 6030। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी सार्वजनिक किया गया है, व्हाट्सएप नंबर है 7230086030, यानी कि 7230086030।
इसके अलावा वेबसाइट भी है जिस पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और वेबसाइट है www.consumer यानी कि कंज्यूमर advice एडवाइस यानी कि www.consumeradvice.in पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचना पर राज्य स्तर में त्वरित कार्रवाई होगी यानी कि शीघ्रता से कार्रवाई होगी और कार्रवाई करने की व्यवस्था जिस तरीके से की गई है बस आपको तीनों में से किसी एक विकल्प को चुनना है। एक हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है आप व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर सकते हैं। वेबसाइट है जिस पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद जिसने भी आपसे कालाबाजारी की ऊंचे दाम पर आपको दवाई दिया फिर कोई और सामान दिया उस पर तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था की गई। स्वागत है। उपचुनाव परिणाम में एक हफ्ते से कम का वक्त बचा है। रिजल्ट से पहले बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में चिंताएं बढ़ गई हैं। खासकर बीजेपी नेताओं में ज्यादा चिंता है क्योंकि सर्वे में बीजेपी के पक्ष में नहीं दिख रहा कुछ भी सही। ऐसे में पार्टी आलाकमान परिणामों का पोस्टमार्टम जरूर करेगी। इन परिणामों में कुछ का बढ़ेगा कद तो कुछ के प्रति संगठन का विश्वास कम हो जाएगा। चुनाव के बाद हार जीत की जिम्मेवारी तय करेगा आलाकमान। बीजेपी ने तीन में से एक जीती तो बचेगी लाज, दो जीती तो बढ़ेगा विश्वास और तीनों हारी तो कई नेताओं की कुर्सी पर खतरा हो सकता है। और इसलिए बीजेपी खेमे के अंदर चिंताएं बढ़ रही हैं कि रिजल्ट किस तरीके का आने वाला है। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव में दो कांग्रेस ने जीती थी जबकि राजसमंद बीजेपी के खाते में थी। ऐसे में अगर राजसमंद को बचा भी लेती है बीजेपी तो मान लीजिए इस उपचुनाव में इज्जत बच जाएगी, लेकिन अगर दो सीटों पर बीजेपी जीतती है तो फिर कई नेता ऐसे होंगे जिनका कद बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर तीनों सीटें बीजेपी हारती है तो कई नेताओं की कुर्सी पर खतरा भी मंडराता हुआ दिखाई दे सकता है। और अब बात करते हैं वैक्सीन कंपनियों की, जिन्होंने क्या वाकई में आपदा को अवसर बना लिया है। भारत में कोरोना संकट के बीच भी कमाई का खेल लगातार जारी। वैक्सीन के नाम पर कंपनियां आम नागरिक से लूट कर रही हैं। दवा कंपनियां, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा और उपकरण देने वालों ने धंधा इसको बना लिया है। वैक्सीन की कीमत ने देशभक्ति दिखाने वाली कंपनियों का लूट का खेल उजागर कर दिया, जबकि यही वैक्सीन निर्माता कंपनियां पड़ोसी देशों में सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध करवा रही है। बांग्लादेश में 300 रुपए से भी कम कीमत पर बेच रही वैक्सीन। इतना ही नहीं, अमेरिकी देश ब्राजील में तो इसकी कीमत 225 रुपए के करीब है। वहीं यूरोपीय संघ को कंपनी ये वैक्सीन 150 से लेकर 250 रुपए तक में बेच रही है। और जानकारी के बावजूद भी केंद्र सरकार वैक्सीन कंपनियों पर कोई लगाम नहीं लगा रही। और इसी वजह से एक बड़ा सवाल, गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है कि वैक्सीन में लूट के खेल को हरी झंडी क्यों दी गई। केंद्र सरकार की नई वैक्सीन नीति के बाद कीमत, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने वैक्सीन की नई कीमतों का ऐलान किया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी कंपनियों के लिए जारी की गई अलग अलग कीमत, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की वैक्सीन को लेकर नीति से कैसे लाभ होगा, ये बड़ा सवाल है। दरअसल वोट बैंक की खातिर एक के बाद एक राज्य सरकार मुफ्त वैक्सीन की घोषणा कर रही है, लेकिन राज्य सरकारें तो करदाताओं के पैसे से ही फ्री वैक्सीन लगवाएगी। ऐसे में वैक्सीन कंपनियां केंद्र को कम और राज्य सरकारों को 1.5 से 2 गुना ज्यादा में वैक्सीन दे रही है। केंद्र सरकार को तत्काल दखल देकर वैक्सीन की कीमतों में एक रूपता लानी चाहिए। मसलन अगर केंद्र को ये वैक्सीन 150 रुपए में मिल रही है तो राज्य सरकार को वैक्सीन 400 रुपए में क्यों मिले और निजी अस्पतालों में यही वैक्सीन आम आदमी को 600 रुपए में क्यों मिले। वहीं जिस तरीके से देश के अंदर हर दिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अभी भी हर किसी के जहन में यही सवाल कि कोरोना की पीक कब आएगा, यानी कि कोरोना के पीक आने के मनमाने अनुमान लगाए जा रहे हैं। कोरोना में टास्क फोर्स का काम देख रहे डॉक्टर वीके पॉल कंफ्यूज हैं। मई के मध्य तक कोरोना का पीक आने की बात कही। पिछले साल वीके पॉल ने दावा किया था कि मई में कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि अब कोरोना की दूसरी लहर आई और वो और ज्यादा विकराल है। अब फिर से मई में पीक और जून जुलाई में कोरोना कम होने का अनुमान लगाया गया। हालांकि ऐसे दावे वो किस आधार पर कर रहे हैं
अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ। वहीं पिछले दिनों आईआईटी कानपुर भी कुछ इसी तरह की भविष्यवाणी कर चुकी है। अप्रैल मध्य से पीक आ जाएगा और मई के अंत तक केसेस में भारी कमी आएगी और बिना आधार लगाए ये अनुमान और भविष्यवाणी की गई है। कोरोना के आगे ये सब कुछ फेल नजर आ। प्रभात करते हैं बीजेपी के, जिसमें शीत युद्ध चरम पर है। एक खेमे की खामोशी से पार्टी में हलचल तेज है। हर कोई अपने अनुसार आकलन करने में लगा हुआ है। खामोशी से सबसे ज्यादा परेशानी केंद्रीय नेतृत्व के करीबी नेताओं को है। सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं नेताजी, लेकिन ऐसा करने में वो असफल हो रहे हैं। ऐसे में 2 मई के नतीजों का इंतजार नेताजी कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद बीजेपी में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। लालू के पटना में होने से कैसे टेंशन, ये सवाल है। बीजेपी या जदयू, किसकी बढ़ेगी परेशानी? हालांकि उपचार के लिए लालू रहेंगे अस्पताल में ही भर्ती, लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर लालू आएंगे पटना, तभी सामने आएगा लालू के आने से किसकी चिंता बढ़ गई है। वैसे बीजेपी नेता सुशील मोदी के ट्वीट बयां कर रहे हैं परेशानी। आरजेडी नेता शिवानंद तिवाड़ी ऐसे ट्वीट पर कस रहे तंज, और बीजेपी लालू नीतीश के रिश्तों को लेकर भी चिंतित नजर आ रही। बंगाल में दीदी क्यों नहीं आजमा रही लॉकडाउन का दाव, जबकि चुनाव बीच राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसेस। कोरोना पर लगाम के लिए राज्य सरकारों ने कई पाबंदियां लॉकडाउन लगाया, लेकिन ऐसा लग रहा ममता ने चुनाव चिंता के बीच बंगाल में नहीं लगाया लॉकडाउन। वैसे दीदी चाहती तो आखिरी चरण में मतदान वाले क्षेत्र छोड़कर पाबंदियां लगा सकती थी, और अब शायद प्रचार थमने पर बंगाल में लागू हो सकती पाबंदियां या फिर लॉकडाउन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।